पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी खुद फोन लाइन पर। नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। बड़ी खबर आ रही है अभी अभी, जो शुभेंदु अधिकारी के रैली में लठ चले हैं, सीधे दौड़ा दौड़ा के मारा है, और कौन किसको मारा है वीडियो में क्लियर हो जाएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। भाजपा वालों ने टीएमसी वालों को मारा कि टीएमसी वालों ने बीजेपी वालों को मारा, मार खाया है, बड़ी मारपीट की तस्वीरें। यह देखिए, यह तस्वीरें हैं, मैं चाहता हूं कैमरामैन से जूम करें, इसको दिखाएं। यह देखिए, डंडे चले हैं बाकायदे रैली में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा, यह हिंसा वही है उसी का परिणाम जो पैर तोड़वा के ममता बनर्जी ने करवाया है। पैर तोड़वाया अपने लोगों से और हिंसा को कर दिया जन्म, पैदा कर दिया हिंसा का। हमारे साथ रंजीत चौहान है और अपडेट देंगे, अपडेट दीजिए रंजीत चौहान। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कैसे लोग भागे जा रहे हैं, और यह बीजेपी का टीएमसी पे, टीएमसी का बीजेपी, कौन किसको दौड़ा कि मारा, क्या अभी तक आपको रिपोर्ट आया है? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से ये घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है। चुनाव आयोग ने पहले तैयारियां कर ली थी, पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां बुला ली थी कि ऐसी घटनाएं ना हो। बंगाल चुनाव हमेशा से हिंसाग्रस्त रहा है, हमेशा से दंगे फसाद खून खराबा मर्डर तक वहां हो जाते हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने भारी पुलिस बल बुलाया था, सीआरपीएफ के जवानों बुलाया था, लेकिन उसके बाद जी देखिए ये तस्वीरें देखिए, देखिए कैसे हाथापाई हो रही, देखिए डंडे, ये देखिए डंडे चल रहे हैं, ये देखिए, देखिए कैसे डंडे चल रहे हैं। और सबसे ये टीएमसी के गुंडे हैं अभी जो आ रहे, धर्मेंद्र प्रधान लाइव है, और ये टीएमसी गुंडे हैं। बिल्कुल अपडेट करना चाहूंगा कि ये शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है, टीएमसी के जिहादियों ने, गुंडों ने हमला किया, पत्थरबाजी की है, तोड़फोड़ की है, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों के सर फूटे हैं इसमें अंकित, और सीआरपीएफ की कई कंपनियां बुला ली गई हैं। मतलब कि अब जो है पुलिस के हाथ से मामला चला गया है, पुलिस नहीं रोक पा रही है, अब केंद्रीय एजेंसियां ही मोर्चा संभालेंगी, तभी जो है टीएमसी गुंडों को काबू। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ, और यह सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अपने दर्शकों को लिए भी कि जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्या वाकई में इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ममता बनर्जी नहीं है? ममता बनर्जी इसलिए जिम्मेदार है कि ममता बनर्जी के पैर में अपने आप चोट लग जाती है, और ममता बनर्जी बोलती है भाजपाइयों ने करवाया है। ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का सबसे बड़ा प्रयास है, और उसी का परिणाम सामने दिख रहा है, यह जो गुंडागर्दी और मारपीट हो रही है। आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लग जाती है, और उसकी चोट उनको लगती है, लेकिन दर्द जो है उनके समर्थकों को होता है। जाहिर सी बात है, जब नेता आग भड़काएगा, कहेगा कि हमको सामने वालों ने मारा है, तो जाहिर सी बात है समर्थक भड़केंगे, लेकिन एक बड़े नेता, एक मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आप प्रदेश में आग लगा रही हैं, आप आग लगा रही हैं, और कहते हैं ना कि लाशों पे राजनीति, यही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लाशों पर राजनीति की जा रही है, और मैं चाहूंगा अंकित थोड़ा सा सुनाए, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री लाइन पर हैं, फोन लाइन पर हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मैटर को? मैं चाहूंगा अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा आवाज बढ़ा दें। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान को आप लोग सुनिए, पूरे मैटर क्या बोल रहे हैं। वही नंदीग्राम अभी उनको उचित सबक देगा, ये मेरे को पूरा भरोसा है, ऐसे नहीं चल सकता है। जी आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार कुछ बदलाव? जी बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है, और ये देखिए लाठियां कैसे पीटे जा रहे हैं। देखिए देखिए, एक नेता जो चुनाव लड़ता है, अपने पार्टी का बगावत करके लड़ता है, उसको शायद टीएमसी से बहुत नाराजगी रही होगी, शायद ममता बनर्जी ने उनके साथ गलत किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं खिलाफ। लेकिन आज ममता बनर्जी अपने ही लोगों को भड़का के हमला करवा रही है, कौन से लोकतंत्र का हम परिकल्पना कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का मतलब है कि ममता बनर्जी खीज, टीएमसी की खीज। आखिर शुभेंदु अधिकारी से इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी क्यों है? शुभेंदु अधिकारी पर ही हमला क्यों बोला गया? इसका मतलब साफ है कि दरअसल ममता बनर्जी पचा नहीं पा रही है, पार्टी से उनका जाना जो है ममता के लिए बड़ा झटका है, और वो समझ गई कि मेरी हार निश्चित है, वो समझ गई है, और इसीलिए उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को जान से मारने की नियत से ये हमला कराया है। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हसिया थोड़ा का भी झंडा लगा हुआ है, और हमें तो लगता है इस बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है, अरे बड़े बड़े मारपीट वाले वो भी है, जिहादी है एक नंबर के, ममता बनर्जी के पहले से इतिहास रहा है, कहीं वो लोग हाथ तो नहीं सेक रहे हैं इस बीच में जाके? आपको क्या लगता है? एक तीसरा भी है जिसका नाम कोई नहीं ले रहा है, कम्युनिस्ट, वामपंथी, चरमपंथी, उनको कहा ही जाता है, पूरा इतिहास रहा है, ममता बनर्जी को खुद घसीट घसीट के मारा है, कहीं बीच में हाथ तो नहीं सेक रहे हैं वो लोग? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अटैक किया है, इसका काउंटर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि उन नहीं कर रहे। हाँ, ये प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ये तस्वीरें जो आ रही हैं,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो अभी किया है वो मोदी ने जो रैलियों में कहा है, जो जवाब दिया है कि ठेला होबे करे या कुछ भी हो उसका ही परिणाम है कि टीएमसी गुंडे जो उग्र हो गए। आपने एक बात कही है कि तीसरा पक्ष फायदा उठा सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि हर दो लड़ाई के बीच में तीसरा आदमी मजा लेता है, इस बात को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी उग्र हो रही है, उनके भाषणों में लग रहा है कि नफरत बीजेपी के खिलाफ, तो कहा नहीं जा सकता कि ममता बनर्जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, अपने अगर कार्यकर्ताओं को भड़काएंगी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का तरीका भी यही रहा है। ममता बनर्जी इसी तरीके से सत्ता में भी आई थी, आपको बता दें कि ममता बनर्जी कैसे सड़कों पे लेट जाती थी। और ये जो तस्वीर तो शर्मनाक है कि आप गाड़ी से उतर रही हैं, अपने आप अनायास लड़ जा रही हैं, भिड़ जा रही हैं, पैर तोड़ ले रही हैं, उसके बाद बीजेपी पर आरोप लगा दे रही हैं, संघ पे आरोप लगा दे रहे हैं इनके अभिषेक बनर्जी। 300 पुलिसकर्मी इनके आसपास होते हैं, एनएसजी कमांडो इनके आसपास होते हैं, उसके बावजूद इनको चार आदमी आके धक्का मार चले जाते हैं। ये तो मुख्यमंत्री या सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। एक मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अरे आप जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात, ऐसे कौन से डॉक्टर है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक हिंदुस्तान में जो 3 दिन में 4 दिन में प्लास्टर तोड़ देता है? एक दिन में 24 घंटे मेरे ख्याल से तो ये हिंदुस्तान के डॉक्टर की बस की बात नहीं है। हाँ, बंगाल में जादू मंत्र वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक ही दिन में छूट गया था। हाँ, एक ही दिन में छूट गया था। तो ये वो बाकायदे पैर ऐसे आगे बढ़ा के निकल रही, पूरा पैर दिखाते हुए वोट लेने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज ये है कि अब कोई चार लोग, जैसे आप एक चीफ मिनिस्टर हैं किसी क्षेत्र के हैं, और इतनी किसकी औकात कि चार लोग आके करीब जाएं, पैर पर मार के पैर तोड़ दें, पैर तोड़ के चले जाएं, तो हमें लगता है शर्म करना चाहिए। 5 साल आपने कौन सी सत्ता पैदा किया था और कैसा शासन किया 10 साल में कि एक प्रदेश को इतना ज्यादा मतलब कि वो कर दिया कि जहां पे मारपीट करने वाले आपके पास तक जाते हैं, पैर तोड़ के चले। मुख्यमंत्री हैं, आप तक लोग कौन जाते हैं? इसके मतलब कि आम जनता की कोई औकात ही नहीं है। आम जनता तो चाहे जहां काट दी जाएगी, चाहे जहां तलवारों से उड़ा दिया जाएगा। जब आप मुख्यमंत्री आप नहीं बच पा रही है तो भैया कौन बच पाएगा? जाहिर सी बात है, एक बार कोई दूर से गोली मारे, कोई पत्थरबाजी करे तो लगता है कि आपने निशाना तैयार किया था। चढ़ के ऊपर कोई मार कर रहा, इसका मतलब है सिर्फ झूठ था, और झूठ सामने आ गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया, कई जांच हुई और लगा कि गलत है। ममता बनर्जी की इसी रवैया की वजह से हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा भड़काया है, और लगता है कि चुनाव आने तक और भी ये चीजें सामने आएंगी। चले फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय लिखिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ममता बनर्जी का जो ये काम है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनाया, ये हमें लगता है शायद कि अब पश्चिम बंगाल की राजनीति वाकई बदल जानी चाहिए। बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव नहीं होगा तो हमें नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल भी कश्मीर के रास्ते निकल चल सकता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बात, क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीर में अवैध घुसपैठियां पाकिस्तानियों को बोलबाला रहा है इससे पहले, वैसे ही बंगाल में बांग्लादेशियों को बोलबाला रहा है। वहाँ पर बांग्लादेशी हैं, रोहिल्ला मुसलमान हैं, और ये देश के हितकारी नहीं, देश के लिए हितकारी नहीं है, ये देश के लिए देश का दुर्भाग्य है कि अभी तक इनको पाला गया। लेकिन अब वक्त है कि इनको निकालने का, तभी निकालेंगे जब सत्ता परिवर्तन होगा। ये उसी तरह है जैसे कोई गेहूं या चना होता है, इसमें घुन लग जाए और धीरे धीरे उसको साफ करें, और एक समय ऐसा आता है कि चना या गेहूं आपका पूरा घुन बन जाता है। या दूसरा उदाहरण मैं दूं कि कोई आपका धान का खेत हो और उसमें एक घास के पेड़ कुछ आ जाए, 10-20 पेड़ आ जाए और अनायास बढ़ने लगे, तो एक समय ऐसा आता है अगर आपने खाद डाल के जलाया नहीं घास को, तो पूरा वो धान का खेत घास का खेत हो जाता है। जाहिर सी बात है, आज देश में एक धर्म है, वो आज कहता है हम अपने आप को अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक की मांग करता है, तमाम तरीके की व्यवस्थाओं की मांग करता है। कल को यही चीज रोहिंग्या भी करेंगे, यही भी, इसीलिए CNRC आया। लेकिन शायद इस देश में लोगों की कमी है, और हमें लगता है आप दर्शक हैं, आप विरोधियों का विरोध करिए, यह जरूरी है, क्योंकि अगर देश को बदलना। हमसे आज दिन में बात कर रहे थे, आपने रोहिंग्या के ऊपर कुछ बातें बताई थी, मैं चाहता हूं दर्शकों को बताएं, बहुत अच्छी लाइन थी वो, कि रोहिंग्या बता रहे थे भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है रोहिंग्या अगर देश में रहे तो। नहीं, जाहिर सी बात है, मैंने बोला था कि देश में अगर रोहिंग्या रहते हैं तो आज जब 10,000 परिवार है और 10,000 परिवार के अगर 10 बच्चे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है लाखों लोग हो जाएंगे। ये लाखों लोग कल को आपके जहां घर के आसपास बसेंगे, आपके वहां के समाज का छीण करेंगे और समाज के साथ साथ आपकी संस्कृति को मिटाएंगे। उनमें से ये गरीब हैं, चोर हैं, तो चोरी भी करेंगे, आपको परेशान भी करेंगे, उसके साथ ही साथ 50-60 साल बाद वो आपसे कॉलोनी मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे, हक मांगेंगे, आरक्षण मांगेंगे, जमीन मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हम जहर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय लिखिएगा और ये कट्टरवादी सोच को जवाब देने की जरूरत है। जुड़े रहिए ओनली न्यू नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।